बुरी खबर, भारत ने जीता पहला टी20 मैच, लेकिन पूरे टी20 सीरीज से बाहर हुआ यह दिग्गज खिलाड़ी। आज 18 फरवरी रविवार से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो गई है। इस सीरीज के पहले टी20 मैच में साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एबी डीविलियर्स नहीं खेल रहे हैं, और अब इसी बीच उन्हीं से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एबी डीविलियर्स हुए टी20 सीरीज से बाहर। साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एबी डीविलियर्स 3 मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। आपको बता दें कि एबी डीविलियर्स अपने घुटने की चोट के कारण भारत साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज से बाहर हुए हैं। सेंचुरियन में भारत के खिलाफ छठे वनडे मैच के दौरान एबी डीविलियर्स को उनके घुटने में चोट लग गई थी। एबी डीविलियर्स इस चोट से अभी तक उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते वे टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। खुद साउथ अफ्रीका के मैनेजर मोहम्मद मूसाजी ने की पुष्टि। साउथ अफ्रीका के मैनेजर मोहम्मद मूसाजी ने अपने एक बयान में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, एबी डीविलियर्स को बाएं घुटने में चोट है, जिसके चलते उनका भारत के खिलाफ टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में भाग लेने में संभव नहीं है, इसलिए वे टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे। उन्हें वनडे सीरीज के दौरान बल्लेबाजी करते हुए घुटने की चोट लगी थी और फिर शुक्रवार को उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास किया, लेकिन पहले टी20 मैच से पहले उनकी चोट और खराब हो गई है, इसलिए साउथ अफ्रीका की मेडिकल टीम ने उन्हें सलाह दी है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले महीने शुरू होने वाली 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला को देखते हुए आराम करें। एबी डीविलियर्स की यह चोट साउथ अफ्रीका टीम के लिए एक करारा झटका है। पहले से ही फफ डुप्लेसी और क्विंटन डीकॉक चोट के चलते टी20 सीरीज से बाहर है, और अब साउथ अफ्रीका के लिए एबी डीविलियर्स की यह चोट एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।